I've been on my grind. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं देसी ड्राइविंग स्कूल। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल देसी ड्राइविंग स्कूल पे। और आज हम बात करेंगे मिरर्स की सेटिंग की। तो मिरर्स की सेटिंग, सभी लोग समझते हैं कि हम मीटर को सेट कर सकते हैं आसानी से। बस करना क्या होता है, अपनी गाड़ी के थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा दिखना चाहिए और पीछे से आने वाली गाड़ी दिखनी चाहिए, राइट वाले मिरर में भी और लेफ्ट वाले मिरर में भी। मैं भी यही समझता था, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इसमें थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट रह जाता है। ब्लाइंड स्पॉट मतलब कि कुछ ऐसा एरिया जो कि हमारे लिए ब्लाइंड हो जाता है, हम उसको देख नहीं सकते बिल्कुल भी। रियर व्यू मिरर से आप जो सेंटर वाला रियर व्यू मिरर होता है, जो गाड़ी के विंडशील्ड में लगा होता है, आपको पता है कि आप उससे गाड़ी के पीछे वाली विंडशील्ड से आने वाली गाड़ियां देख सकते हैं। लेकिन आपने कभी देखा होगा कि गाड़ी आपको क्रॉस करती है, ओवरटेक करती है पीछे वाली गाड़ी, ये आप रियर व्यू मिरर से देखते हैं जो आपके विंडशील्ड में लगा हुआ है। और जब वो गाड़ी ओवरटेक करती है तो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है, वो आपके रियर व्यू मिरर में नहीं आती, वो गाड़ी के बाहर वाला जो रियर व्यू मिरर है उसमें नहीं आती। क्यों ऐसा क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है दोस्तों, हमारी जो सेटिंग होती है रियर व्यू मिरर की, जो बाहर वाले होते हैं खासकर, वो सही तरीके से नहीं होती है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि सही तरीके से रियर व्यू मिरर की सेटिंग कैसे करें जो कि बाहर से होते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन आइकन क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो रिलीज होने पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो रियर व्यू मिरर है उनकी सेटिंग किस टाइप से है, किस प्रकार है। आप देख सकते हैं कि मेरा जो व्यू है, आप देख सकते हैं जो जैसे मैं देखता हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरी जो विंडशील्ड है पीछे वाली, मैं उसको रियर व्यू मिरर से पूरी तरह देख सकता हूँ। तो आप अभी देख सकते हैं, मैं इसको सेट करूंगा ताकि मैं जिससे कि इसको पूरा सही तरीके से देख पाऊँ। तो मेरी मिरर की सेटिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर कोई जैसे गाड़ी वहां से निकलती है, रियर व्यू मिरर से आपको ओवरटेक करती हुई कोई गाड़ी दिखाई देगी, वो यहां से गायब होते ही आपके जो ये वाले शीशे है बाहर वाला राइट वाला, इसमें जो है दिखने लग जानी चाहिए। अभी हम देखते हैं एक ऑल्टो आ रही है, अब वो वहाँ दिखेगी। अभी जो है पहले से दिख रही है, तो मैं इस तरीके से इसकी सेटिंग करता हूँ। वहाँ से टेम्पो गया और वहाँ से ट्रक गया और यहाँ से निकला। ये जो है मेरी परफेक्ट सेटिंग है। वहाँ से कार मेरे रियर में भी इससे गायब हुई और यहाँ से निकल गई। ये जो है मेरी परफेक्ट सेटिंग है। तो अभी तक हम क्या करते थे, हम जो सेटिंग है अपनी इस तरीके से करते थे कि हमें रियर व्यू मिरर में तो दिखना ही चाहिए जो हमारे विंडशील्ड में लगा हुआ है, और साथ में जो है जो राइट हैंड साइड का जो मिरर है उसमें क्या होना चाहिए, हमें गाड़ी का पीछे का हिस्सा दिखना चाहिए, ये जो कि गलत सेटिंग है। हमें गाड़ी का पीछे वाला जो बॉडी है उसे नहीं देखना, बल्कि इस तरीके से हमने सेटिंग करनी है ताकि कोई गाड़ी अगर आती हुई हमें उस शीशे में दिखाई दिए जो हमारी विंडशील्ड में पीछे देखने के लिए है, ट्रैक्टर गायब हुआ और जैसे ही इस शीशे से गायब हुआ तो वैसे ही तुरंत इस शीशे जो बाहर लगा हुआ है इस पे या फिर उस वाले शीशे पे हमको दिखाई देना चाहिए।
ये हमारा जो है करेक्ट वे है विंडशील्ड की सेटिंग करना। अभी मैं फिर से करूंगा, वहां से ट्रक गायब हुआ तो वहां से ये मेरा बिल्कुल सही पॉइंट है। वहां से कार गायब हुई तो यहाँ, वहां से कार गायब हुई तो यहाँ से निकली। अब मैं उस साइड के शीशे की सेटिंग करना चाहूंगा। से गायब हुआ तो रियर व्यू वाले से दिख गया। तो ये कुछ तरीका था, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको समझने में दिक्कत हुई हो। मैं एक बार आपको शॉर्ट वे में समझा देता हूँ। सेटिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि इससे गायब हो तो तुरंत उससे निकले, इससे गायब हो इस साइड से तो तुरंत उससे दिखे। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम क्या करते थे, हमारी कार का पीछे वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा बॉडी का कुछ पार्ट जो है दिखना चाहिए। पहले मैं भी इसको सही समझता था, लेकिन जो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग, SAE के अकॉर्डिंग, जिसको सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बोला जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट वे है ब्लाइंड स्पॉट को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, वो यही है कि जो गायब हुआ वो इधर से निकलना चाहिए, जो इधर गायब हुआ वो उधर से निकलना चाहिए। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों।